एंड वेलकम बैक टू नंची व्लॉग्स। आई होप आपको मेरा प्रीवियस वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम लोग जा रहे हैं शोई वाटरफॉल। शोई वाटरफॉल तीर्थन वैली में है। तीर्थन वैली पूरी ही बहुत सुंदर है। जीभी से तीर्थन वैली लगभग 40 मिनट्स का ड्राइव है। शोई वाटरफॉल मैप पर देखोगे तो काफी सारी जगह पे लोकेट किया हुआ है, लेकिन जो नगीनी विलेज के पास है वही वाला एक्चुअल है। अभी हम लोग जीभी से नगीनी विलेज जा रहे हैं और वहां से फिर हम ट्रैक करेंगे। नगीनी विलेज से शोई वाटरफॉल की ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर की है। कैसी है, क्या है, कितना सुंदर वाटरफॉल है, ये हम लोग वहाँ जाके देखेंगे। जब आप जीभी से नगीनी जाते हैं तो गुशैनी रोड आता है। दिस इज सो प्रिटी। आप बाजू में ही आप तीर्थन नदी को फ्लो करते हुए देखेंगे। इतना सुंदर लैंडस्केप है। तो ये ड्राइव तो काफ़ी इंजॉयबल है ही और वहाँ का वाटरफॉल भी इंजॉयबल होगा। तो चलिए हम लोग नगीनी विलेज चलते हैं और फिर वहाँ से ट्रैक करते हैं। ये इस तरह की चोई वाटरफॉल की पार्किंग आ चुकी है। यहाँ पे हम लोगों ने पार्किंग की और पार्किंग से ही यहाँ पे ऐसे ऊपर स्टेप्स जा रहे हैं चोई वाटरफॉल की तरफ। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चोई झरना जो है एक ये के पवित्र स्थान है। तो यहाँ पे धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, तो गंदगी ना करें और कचरा ना फैलाएं। आप भी ये चीज़ का ध्यान रखिए। अभी हम लोग छोई झरने की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से गाँव के बीच में से सीढ़ियाँ जा रही है। आप उधर देखिए, सीढ़ियों से लोग ऊपर चल रहे हैं। तो अभी तक तो सीढ़ियाँ दिख रही है मुझे, बाकी आगे देखते हैं। ये हमारे गाइडिंग स्टार यहाँ पे भी हमें मिल गए हैं। चलो चलो चलो, हमें रास्ता दिखा क्यूटी। यहाँ के लोकेशन भी बहुत गजब का है। आप देखो, इतना हरा भरा लैंडस्केप है आजू बाजू। बीच बीच में ऐसे सीनिक स्पॉट्स आते रहेंगे जिसको एंजॉय करना बिल्कुल भी ना भूलें। थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, वे थोड़ा प्लेन है, फिर आगे वापस सीढ़ियाँ हैं। चलिए आगे चलते हैं। बीच बीच में छोटे छोटे ऐसे घर दिखते रहेंगे आपको। अभी हम लोग 1/3 आए हैं और इन सीढ़ियों से भी ऊपर चल के और ऊपर जाना है। अभी हम लोग आधे रास्ते आए हैं। वैसे ये कवर्ड है पाथ, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे खुला भी है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप गर्मियों के टाइम पे आते हैं तो स्कार्फ, सनग्लासेस, हैट्स वगैरह लेकर आए। एक पॉइंट के बाद सीमेंट का रोड है वो खत्म हो जाता है और मिट्टी की ट्रैक चालू हो जाती है। आप ये देखिए, मिट्टी का ट्रेल है पीछे। सो अब आधे रास्ते के बाद अभी हम लोगों को इस रास्ते से और आगे जाना है। थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है, बट आई होप इट इज़ टोटली वर्थ इट। ऊपर नीचे ये रास्ता है, जैसे अब यहाँ से नीचे उतरना है, फिर यहाँ से वापस ऊपर चलना है। तो ये वैसे तो डिफ़िकल्ट ट्रैक लग रहा है और उसके लिए फिज़िकल स्ट्रेंथ होना भी काफ़ी ज़रूरी है। चलिए, अभी आधे रास्ते से थोड़ा आगे आ चुके हैं और चलते हैं धीरे धीरे। बहुत पतली ट्रेल है ये, काफ़ी टायरिंग है क्योंकि स्टार्ट में भी सीढ़ियाँ काफ़ी सारी थी और इसके बाद नैरो ट्रेल आ चुकी है। थोड़ा सा तो टायरिंग है, बट व्यूज़ वर्थ होंगे। चलिए चलते हैं आगे। पाइन का है ना ये, क्या काम आता है? कलेक्ट करके घर सजाने के लिए। वाह, 3/4 आने के बाद आपको ये बोर्ड दिखेगा और अभी तक ट्रेल चालू ही है। आप देखो, ये ट्रेल है, वहाँ से लोग आ रहे हैं और झरना वहाँ पे है, तो हम लोग वहाँ तक जाएंगे। और ये ट्रैवलिंग बडी, बस ये पतली पतली ट्रेल पे चलते चलते हम लोग आ चुके हैं। नीचे आप झरने का स्ट्रीम देखिए जो फ्लो करता है। बस अब 5 मिनट की वॉक और है और चलते हैं और आगे। वैसे टायरिंग लगा मुझे ये वाला ट्रैक, बट टोटली वर्थ है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और ये झरना आप देखो, क्या अमेजिंग लोकेशन है इसकी। मैंने आपको बताया वैसे टोटली वर्थ था ये चल के आना। यूजुअली लोग बोलते हैं लोकल्स कि यहाँ पे 30 मिनट्स की वॉक होगी, लेकिन हम लोगों को 1.5 घंटा लगा क्योंकि हम लोग बीच में फ़ोटोज़ निकालते आ रहे थे, थोड़ा ब्रेक लेते हुए आ रहे थे। एंड आई एम टोटली मेसमराइज्ड इस वाटरफॉल को देख के। चोई वाटरफॉल इज़ अ मस्ट विजिट व्हेन यू इन एंड अराउंड जीभी। चोई वाटरफॉल जीभी वाटरफॉल से लगभग 3 गुना है।
अगर आपने जीबी वाटरफॉल का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो भी बहुत अमेजिंग लोकेशन है। रास्ते में ही हमें ये वाला भी एक स्ट्रक्चर दिखा जहाँ पे आप देख रहे हो कि मेटल की ऑफरिंग्स है। ऐसी ही सेम चीज़ हम लोगों ने बालोनाग टेम्पल में देखी थी। तो अगर बालोनाग टेम्पल का भी आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो भी वहाँ पे देखिए। रात प्रहरी नाम का मंदिर है जो बालोनाग टेम्पल के प्रमाइसेस में है, उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, वो ज़रूर जाके देखिएगा। अभी हम लोग चोई वाटरफॉल आ चुके हैं तो चलिए चोई वाटरफॉल को इन्जॉय करते हैं। लास्ट का थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इन पत्थरों के बीच में से जाना है। और ये देखिए वाटरफॉल, घंटा हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और इतना मज़ा आ रहा था। ये स्ट्रीम, ये पानी की आवाज़, और आप एकदम अंदर पास भी जा सकते हो वाटरफॉल के, नहा भी सकते हो, लेकिन पानी बहुत चिलिंग है। अमेजिंग वाटरफॉल है ये। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा देर तक रहना चाहते हैं तो आप अपना खाना पीना साथ ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए बिल्कुल कचरा मत कीजिएगा यहाँ पे। ये चोई वाटरफॉल चोई देवता के नाम पर रखा हुआ है। अभी आगे तीर्थन वैली चलते हैं। तीर्थन वैली तो क्या एक पूरी वैली है, आप उसमें चाहिए तो किसी भी स्पॉट पर जाके बैठिए आराम से। तो हम लोग भी बस यहाँ से चलते हैं, एक घंटा वॉक करेंगे ऊपर और उसके बाद गाड़ी तक पहुँचेंगे। गाड़ी से चाहिए तो धीरे धीरे वॉक करके आसपास का एरिया आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, नहीं तो गाड़ी चलाते जाइए और जो भी स्पॉट अच्छा लगे वहाँ पे रुक जाइए। तो चलिए अभी मैं ट्रैक करके नीचे उतरते हैं और फिर मैं आपसे वहाँ मिलती हूँ। रिटर्न तो बहुत फास्ट हो गया, हम लोग लगभग 40 मिनट में ही नीचे उतर गए थे। तीर्थन वैली में ही हम लोग गुशैनी गांव में आ गए। गुशैनी गांव इतना सुंदर है कि हमें यहाँ रुकना ही था। तीर्थन वैली ओवरऑल ही इतनी सुंदर है कि आप कहीं से भी जाइए आपको व्यूज़ मिलते ही रहेंगे। तो हम लोग गुशैनी गांव के एक ब्रिज पर आ गए हैं और व्यूज़ यहाँ से बहुत अमेजिंग है। हम लोगों को लंच करना था, हम लोग लेट हो गए। यहाँ पे कुछ भी लोकल कुसीन नहीं थी तो हम लोगों ने एक कैफ़े में फ्रेंच फ्राइज़ और चिली पोटैटोस और बर्गर खाए। अब यहाँ से हम लोग तीर्थन वैली के कुछ कुछ स्पॉट्स हैं वो जाके एक्सप्लोर करते हैं। हमें ये स्पॉट दिख गया एंड इट इज सो ब्यूटीफुल। पूरी तीर्थन वैली यहाँ से आगे तक है। आप चलिए आराम से धीरे धीरे, जहाँ स्पॉट मिले रुक जाइए। यहाँ से आप नज़ारा देखो, इतना अमेजिंग है। ये जो पानी है ये ग्लेशियर से आता है, ये तीर्थन नदी है और इस नदी से तीर्थन वैली बनती है। इट्स सो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। नदी का फोर्स इतना ज़्यादा है और इसकी आवाज़ इतनी लाउड है, भयावह है कि मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना फ्लो नदी का है और आवाज़ कितनी ज़्यादा है इसकी। लगभग एक घंटा यहाँ पे स्पेंड करेंगे, उसके बाद हम लोग वापस जीबी जाएंगे। अमेजिंग जगह पे बैठी हूँ मैं। बैठ के इस नदी का आवाज़ सुन के, इतनी शांति, चिड़ियाओं की आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है।
प्रकृति कितनी ज़्यादा पावरफुल है लेकिन फिर भी वो कितनी हम्बल है, ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पे बैठकर ऐसा लग रहा है कि सृष्टि में हमारा कोई मोल ही नहीं है। जैसे कि बीच पे कितने सारे कंकर पत्थर होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका एग्जिस्टेंस है। वह उसी तरह से यूनिवर्स में भी हम लोग हैं और यूनिवर्स में हमारा एग्जिस्टेंस किसी को पता भी नहीं होगा। वैसी फीलिंग है यहाँ पे, बहुत कामिंग और बहुत सूदिंग लग रहा है। आप भी कभी ऐसी जगह पर आते हैं तो अपने आप से बातें कीजिए, मज़ेदार नेचर को, प्रकृति को इंजॉय कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जगह पर आकर अपने आप को प्रकृति से कनेक्ट कीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि आप भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। इट्स एन अनबिलीवेबल फीलिंग। गुसेनी से जीबी आधा घंटे का रास्ता है, रात तक हम लोग जीबी पहुंच जाएंगे और डिनर करके आज का दिन मैं यहीं एंड करूंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी हिमाचल सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ सारे एपिसोड ज़रूर देखिए। अगर आपने हिमाचल के सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। हिमाचल के सारे एपिसोड्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंसेस हैं गुसैनी या जीबी या हिमाचल से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय, बाय। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे।